हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न के बारे में, जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। आसान ट्रिक के साथ इस प्रश्न को सोल्व करेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा है? ये पार्ट नंबर 73 है। आप पार्ट नंबर 72 नहीं देखे हैं तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। दोस्तों इन सारे प्रश्न का PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, जो कि इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए दी गई आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर लुप्त संख्या दिया है, ठीक। इसके जगह पर इस चार ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा आपको यही बताना है। देखिए तो इस तरह के क्या देखेंगे, यानी पहले से दो को दिया है, ठीक, ये तीसरा दिया है, ठीक, इससे पहले दो दिया है, ठीक। इसमें देखेंगे कि 13 आपको क्या दिया, यहाँ पर 13 13 दिया है और 18 दिया है। 13 किस प्रकार से लिखा है, यानी 4 को 2 को 5 को क्या किया है कि 13 लिखा है, ठीक। उसी प्रकार से 4 को 3 को 6 को क्या किया है कि 18 लिखा है। उसी प्रकार से हमको बताना है कि 4 यानी 4 दिया है, 7 दिया है और 3 दिया है। इन तीन सबको क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर चार ऑप्शन में से संख्या भरा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले इसको सबको जोड़ लेते हैं। क्या करेंगे, सबको जोड़ लेते हैं। देखिए सबको अगर जोड़ लेंगे तो यहाँ पर कितना होगा, 4 दिया है, 4 दिया है, 4 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना हो गया, 6 हो गया। 6 को और फिर इसमें क्या करेंगे, जोड़ लेंगे 5 को तो कितना हो गया, 6 5 कितना का 11 हो गया। लेकिन हमको क्या आना चाहिए, 13 आना चाहिए। इसका मतलब कि इस तरह से फॉलो नहीं कर रहा है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 2 को और 4 में क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो 4 दुनिया कितना हो गया, 8 हो गया, कितना हो गया, 8 हो गया। और 8 को और 8 को क्या करेंगे, 5 में जोड़ देते हैं। क्या करेंगे, इसको हम इसको इसमें जोड़ देते हैं। तो 8 में क्या करते हैं, 5 को जोड़ देते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं, ठीक, जोड़ देते हैं। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 5 को जोड़ देंगे। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 5 कितना होता है, 13 होता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होगा, इस तरफ फॉलो कर रहा है यानी 13 आ गया, ठीक। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखा है, 4 लिखा है। तो 4 को और 3 को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। 1 को क्या करेंगे, गुना कर लेंगे, यानी इसको हम गुना करेंगे। जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा, कितना आ गया, 12 आ गया। 12 में फिर क्या करेंगे, प्लस को 3 को जोड़ना है, यानी 12 को 3 को जोड़ लेना है। 12 में क्या करना है, 6 को जोड़ना है, तो 6 जोड़ देते हैं। तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 12 6 कितना होता है, 18। तो देखिए ई वाली संख्या कितना है, 18 है, यानी ये इसका मतलब क्या होगा, यानी इसका मतलब है कि यहाँ पर क्या करेंगे, 4 को और 7 को क्या करते हैं, गुना कर लेते हैं। तो कितना होगा, गुना कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 28 हो गया, कितना हो गया, 28 हो जाएगा, 7 4 28 हो गया। और 28 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देना है, क्या करना है, इसमें 3 जोड़ देना है। तो जब 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना होगा, 31 होगा। तो 31 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि NOID को यानी 39658 लिखा जाता है तो बताइए कि यानी इंडिया को कैसे लिखा जाएगा। तो सबसे पहले क्या देखेंगे, सबसे पहले आपको देखेंगे यहाँ पर कि जो आपको 39658 किस प्रकार से लिखा है, NOID को। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, N लिखा है, ठीक, N हो गया, O हो गया, I हो गया, D हो गया और A हो गया। इसको किस प्रकार लिखा है, तो देखिए N को क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। O को क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 9 लिख रहा है। I को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। D को क्या लिख रहा है, 5 लिख रहा है। और आपको A को क्या लिख रहा है, 8 लिख रहा है। तो आपसे पूछा है कि इंडिया को क्या लिखेगा, तो देखिए इंडिया के क्या करेंगे, यहाँ पर इंडिया को लिए आई हो गया, आई के बाद में फिर एन हो जाएगा, एन के बाद में डी हो गया, डी के बाद में आई हो गया, फिर ए हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखिए कि आई आई को क्या लिख रहा है, आई को यहाँ पर कितना लिखा है, देखिए आई को यहाँ पर क्या लिखा है, आई को 6 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है। तो यहाँ पर हम 6 रख लेंगे। फिर आपको एन एन को देखेंगे तो एन को क्या लिख रहा है, तो एन को देखिए यहाँ पर 3 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, 3 लिख रहा है। तो यहाँ पर हम 3 लिख लेंगे। फिर डी डी को देखिए क्या लिख रहा है, तो डी को आपको 5 लिख रहा है, क्या लिख रहा है, डी को 5 लिख रहा है, तो हम 5 रख लेंगे। फिर आई को क्या लिख रहा है, 6 लिख रहा है, तो 6 रख लेंगे। ए ए को मान कितना रख रहा है, यहाँ पर 8 दिया है, तो ए को क्या रखेंगे, यहाँ पर हम 8 रख लेंगे। तो देखिए इंडिया को क्या लिखा गया है, तो इंडिया को आपको क्या लिखा गया, 63558 63558 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी 63558 दिया है ना,
63568 दिए, यानी ऑप्शन नंबर कुछ में दिख रहा है इसमें 63568, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा नंबर प्रश्न है, यहाँ पर बोल रहा है कि सही वेन आरेख ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ नीचे क्या दिए, नीचे आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि क्या दिया, डॉक्टर दिया है, क्या दिए, डॉक्टर दिया है, ठीक। डॉक्टर, रोगी और मनुष्य, इन तीनों को संबंधित बताना है वेन आरेख में से कि कौन सा संबंधित है, ठीक। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले इसमें क्या दिख रहा है, डॉक्टर दिख रहा है, रोगी दिख रहा है, मनुष्य दिख रहा है। इसमें कॉमन कौन सा दिख रहा है, तीनों में से आपका कॉमन कौन से दिख रहा है, यानी मनुष्य दिख रहा है, क्या दिख रहा है, मनुष्य। तो इसको क्या रखेंगे, मनुष्य को रखेंगे, ये आपको मनुष्य हो जाएगा, ठीक। क्या हो गया, मनुष्य हो गया। मनुष्य जो है ना वो रोगी भी होते हैं, डॉक्टर भी होते हैं, मनुष्य जो है वो रोगी भी होते हैं और मनुष्य डॉक्टर भी होते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ पर रोगी हो जाएगा। मनुष्य के अंदर क्या होगा, रोगी भी होगा और डॉक्टर भी होगा, क्या होगा, डॉक्टर हो जाएगा। एंड इस तरह का जो वेन आरेख है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है, देखिए संबंधित किस प्रकार हो गया, मनुष्य हो गया, मनुष्य, मनुष्य सबसे कॉमन है, मनुष्य, मनुष्य के अंदर क्या होता है, रोगी भी होते हैं डॉक्टर भी होते हैं। यानी इस तरह का जो वेन आरेख है ना वो किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों चार नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए एक पुरुष ने एक औरत से कहा तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। देखिए यहाँ तक समझिए, फिर उस औरत का पुरुष से, पुरुष की नानी से क्या संबंध है, ठीक। देखिए यहाँ पर आपको बताना है कि क्या इसमें, देखिए यहाँ पर क्या दिए, एक पुरुष ने एक औरत को कहा, एक औरत को क्या बोल रहा है कि तुम्हारे भाई, भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है। देखिए ये मान लीजिए इसको क्या रखते हैं, ये पुरुष हो गया, क्या हो गया, पुरुष हो गया, ठीक। पुरुष हो गया जो एक महिला की ओर इशारा करता है, ठीक। इसको यहाँ पर महिला रख लेंगे, ये महिला हो गया, ठीक। महिला की ओर इशारा करते हुए बोला, यहाँ पर बोला कि तुम्हारे भाई, तुम्हारे भाई की इकलौती बहन, तुम्हारे भाई, तो भाई कौन सा होगा, यहाँ पर इसको हम प्लस रख लेंगे, ये क्या हो गया, भाई हो गया, भाई इकलौते, यानी भाई, भाई की इकलौती बहन मेरी माँ होगी, क्या होगी, इसकी माँ हो जाएगी। इसकी माँ कौन हो जाएगी, इसकी माँ हो जाएगी, यानी पुरुष की माँ, यहाँ पर माइनस रख लेंगे, ये क्या हो गया, औरत हो गए, क्या होगा, यहाँ पर औरत हो जाएगा, ठीक। देखिए औरत, ठीक। अब आगे देखिए, आगे इसमें बोल रहा है कि मेरी माँ है, उस औरत का पुरुष ले क्या संबंध है, पूछ रहा है कि उस औरत का पुरुष ले क्या संबंध है। देखिए इसका जो पुरुष है ना, पुरुष एक महिला को इशारा करते हुए बोला, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि महिला, यानी क्या हो गया, महिला की ओर, तो महिला बोला महिला की भाई, महिला यानी तुम्हारे भाई की इकलौती बहन मेरी माँ है, तो इकलौती महिला हो गया, क्या होगा, ये भाई हो गया, ये भाई हो गया, भाई के बाद में क्या बोल रहा है, मेरी माँ है, तो ये पुरुष के क्या है, माँ है, ये पुरुष के क्या है, ये माँ है, क्या हो गया, माँ हो गया, यहाँ पर रख लेंगे, ये माँ हो गया, ठीक, माँ हो गया, ये माँ हो गया। फिर उसके बाद में आगे दिया है कि मेरी माँ, उस औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है, पूछ रहा है कि नानी से क्या संबंध है। देखिए ये पुरुष हो गया, पुरुष का माँ ये हो गया, तो पुरुष का नानी कौन हो गया, तो पुरुष का नानी आपको यहाँ पर माइनस रख लेंगे, क्या हो गया, ये नानी हो गया, तो नानी यहाँ पर नानी रख लेंगे, ठीक, क्या हो गया, नानी हो गया। अब फिर उसके बाद में आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि यहाँ पर क्या दिए, यहाँ पर फिर इसके बाद आगे बोला कि औरत का पुरुष के नानी से क्या संबंध है, ठीक, क्या संबंध है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पुरुष का नानी, पुरुष का नानी औरत, तो इसमें क्या संबंध है, पुत्री, यानी क्या हो जाएगी, पुत्री हो जाएगी, यानी पुरुष का जो माँ है वो उसकी नानी का पुत्री हो जाएगी, तभी तो पुरुष बोल रहा है कि नानी, नानी है, तो क्या हो जाएगा, पुत्री हो जाएगा। तो बोल रहा है कि औरत, औरत का पुरुष की नानी से क्या संबंध है, तो पुत्री से, कैसे, पुत्री से संबंधित है, तो पुत्री देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पाँच नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए संबंधित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे क्या दिए, संबंधित संख्या दिए, यानी आपको देखना है कि यहाँ पर सात सात से क्या रहा है, पचास हो रहा है, तो ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ बताना है कि आठ से, आठ से इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर किससे से संबंधित होगा। तो देखिए सात से क्या हो रहा है, पचास हो रहा है, तो सात से पचास किस प्रकार हो रहा है, उसी प्रकार से हम आठ को इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर संबंधित रखेंगे। देखिए सात हो गया, तो सात को क्या करते हैं हम, यहाँ पर सात हो गया तो सात लिख क्या लिख रहे हैं, पचास लिख रहे हैं, तो सात के क्या करते हैं, सात के जब हम स्क्वायर कर देते हैं, तो सात के स्क्वायर करें तो सौ सत्तर उनचास होता है, ठीक। उनचास में एक जोड़ देंगे तो कितना आएगा, पचास आ गया, कितना आ गया, पचास आ गया। देखिए यहाँ पर पचास आया, ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करते हैं, आठ को, आठ को क्या करते हैं, स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर के बराबर क्या होगा, स्क्वायर, तो अठाई कितना होगा,
64 हो गया, 64 में अगर एक जोड़ देंगे तो कितना हो गया, यहाँ पर 65 आ गया, कितना आ गया 65 आ गया, यानी 7 को जब स्क्वायर किए थे तो 49 में एक जोड़े थे तो 50 आ गया। ठीक उसी प्रकार से हम 8 को करेंगे तो 8 को क्या किए हैं, 8 को जब स्क्वायर किए हैं तो 64 आएगा, 64 में एक जोड़े तो कितना आ गया 65 आ गया, इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, यानी 8 किससे संबंधित है 65 से संबंधित है, तो 65 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए किसी कुट भाषा में यानी सेंट्रल क्या लिखा है, सेंट्रल को इस प्रकार लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है, तो सेमिनार को उस भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, तो देखिए इसमें सबसे पहले देखेंगे सेंट्रल को किस प्रकार से लिखा है, उसी प्रकार से हम सेमिनार को लिखेंगे। देखिए यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर क्या लिख रहा है सी, देखिए यहाँ पर सी ई दिया है, तो सबसे पहले इसको ध्यान से देखिएगा क्या दिख रहा है, देखिए सी से यानी एल से एल लिख रहा है, ई से ई लिख रहा है, और टी से आर से क्या लिख रहा है, आर लिख रहा है, टी से क्या लिख रहा है, टी लिख रहा है, एन से क्या लिख रहा है, एन लिख रहा है, उसी प्रकार से ई से क्या लिख रहा है, ई लिख रहा है, सी से क्या लिख रहा है, सी लिख रहा है, ठीक सी लिखा है, उसी प्रकार से हमको क्या पूछा है, सेमिनार को पूछा है, किसे पूछा है सेमिनार को, तो देखिए सेमिनार को हम किस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा एस हो गया, फिर ई हो गया, एम हो गया, यानी सेमी एन ए आर, सेमिनार क्या होगा सेमिनार, तो सेमिनार को हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आर लिखेंगे, क्या लिखेंगे आर हो गया, फिर उसके बाद में ए लिखेंगे, यहाँ पर ए हो जाएगा, फिर उसके बाद में क्या लिखेंगे एन लिखेंगे, तो एन हो जाएगा, फिर उसके बाद में आई दिया है तो आई लिखेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगा आई हो गया, फिर उसके बाद में आगे देखिए एम, एम को क्या लिख रहा है, एम को आपको एम लिखेंगे, फिर उसके बाद में ई दिया है तो आपको यहाँ पर ई लिखेंगे, ई हो गया, फिर इसके बाद में देखिए एस, एस को क्या लिखेंगे, यहाँ पर एस दिया है, क्या दिया एस दिया है, देखिए क्या लिखा गया यानी रानी मेस, क्या लिखा गया रानी मेस लिखा गया, यानी जो इस प्रकार से लिखा है सेमिनार को उसी प्रकार से हम इसको लिखें, क्या लिखा गया रानी मेस, रानी मेस देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी आर ए एन आई एम ई एस, यानी रानी मेस, रानी मेस किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए बताइए कि इनमें से कौन सा एक ऐसा है जो अन्य से अलग है, यानी चार एक समान है, क्या पूछा है इसमें, इसमें पूछ रहा है कि अन्य से अलग है, यानी तीन ऑप्शन एक समान है और एक ऑप्शन आपको गलत है, यानी अन्य से भिन्न है, उसी को आपको बताना है कि चार ऑप्शन में से कौन सा एक अन्य है, ठीक है यानी भिन्न है। देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन में क्या देखेंगे, पहला ऑप्शन में क्या लिखा है 22 लिखा है, 4 और 5 को क्या किया है कि बड़ा वाला लिखा है, यानी 22 लिखा है, ठीक इसको इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे। देखिए यानी 5 को 4 को क्या किया है कि आपको 22 लिखा है, ठीक तो देखिए अगर क्या करते हैं यहाँ पर अगर गुना करते हैं, अगर जोड़ लेंगे तो जोड़ेंगे तो 22 तो आएगा नहीं, देखिए जोड़ेंगे तो कितना होगा 5 और 9 होगा, क्या होगा 9 हो जाएगा, लेकिन जोड़ेंगे नहीं, देखिए यहाँ पर क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, क्या करते हैं गुना करते हैं, तो 4 में और 5 में क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो जब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 5 20 हो गया, कितना हो गया 20 हो गया, 20 में क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 22 हो गया, देखिए कितना हो गया 22 हो गया, यानी ये वाला संख्या कितना गया 22 हो गया। ठीक उसी प्रकार से बी ऑप्शन में देखिए क्या करते हैं कि 11 को 4 में गुना कर देते हैं, 11 चौक कितना होता है 44 होता है, और 44 में क्या करेंगे 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 46 आ गया, कितना आ गया 46 आ गया, तो देखिए ये वाला संख्या आपको 46 आ गया। ठीक उसी प्रकार से सी को देखिए, सी में क्या करेंगे 8 में और 4 में क्या करते हैं गुना कर लेते हैं, तो 8 चौक कितना हो गया 32, और 32 में 2 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 34 हो गया, कितना हो गया 34 हो गया, तो देखिए ये वाला संख्या 34 आ गया, यानी तीनों क्या हो गया एक समान हो गया, तो आपको इसी तरह से आपको इसको बनाना नहीं है, यानी पूछ रहा है कि अन्य से अलग है, तो यानी सबसे भिन्न कौन सा है, डी ऑप्शन है, क्योंकि सबसे भी तीनों एक समान हो गया ये आपको अलग हो गया, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर दिए कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए, देखिए यहाँ पर नीचे के दे एक संबंधित संख्या दिया, ठीक और पूछ रहा है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इस 4 ऑप्शन में से कौन सा संख्या भरा जाएगा जो कि आपका संबंधित होना चाहिए। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्या देखेंगे, इसमें देखेंगे कि आपको 6 से क्या लिख रहा है, यानी 6 से संबंधित क्या होना 64 है, 6 से क्या लिख रहा है 64 लिख रहा है, तो आपको उसी तरीके से बताना है कि 11 को इस संबंधित कौन सा संख्या होगा। ठीक देखिए 6 से क्या हो रहा है संबंधित कौन सा है 64 है, तो 6 से 64 किस प्रकार हो रहा है, तो देखिए 6 हो गया, 6 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देते हैं, जब 6 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो गया 8 हो गया, अगर 8 को हम स्क्वायर करते हैं तो कितना हो जाएगा 64 आएगा, कितना आएगा 64 आएगा, तो देखिए 64 हो गया,
ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर संबंधित आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 11 दिया है, कितना दिए 11 दिया है, 11 में क्या करेंगे दो को जोड़ लेते हैं तो कितना होगा, दो जोड़ेंगे तो कितना होगा, 11 दो कितना हो गया 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया। अगर 13 का स्क्वायर कर देते हैं तो जब 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 169 आता है, कितना आता है 169 आता है। तो क्या होगा, 11 किससे संबंधित है, 11 आपको 169 से संबंधित है। ठीक, तो 169 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न है, यहाँ पर देखिए लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे क्या दिया है आपको, एक चार चित्र दिया, तीन चित्र दिए। ठीक, इस चित्र में से आपको क्या बनना है, यहाँ पर आपको प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है, यानी इसका मतलब कि उससे पहले दूसरे वाला में क्या देखेंगे, 19 किस प्रकार से लिखा है और आपको 21 किस प्रकार से लिखा है, यानी 6 को 1 को 8 को 5 को क्या किया है कि बीच वाली संख्या यानी 21 लिखा है, उसी प्रकार से यानी 5 को 2 को 8 को और 13 को क्या, 3 को क्या किया है कि बीच वाली संख्या 9 यानी 19 लिखा है, उसी प्रकार से 6 और 2 और 4 और 3 को क्या करेंगे कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर लिखेंगे। ठीक, तो ये जिस प्रकार से आपको पहला दूसरा में फॉलो कर रहा है उसी प्रकार से हमको तीसरा में भी फॉलो करना होगा। ठीक, तो देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 6 को, अगर 6 को 8 को क्या करते हैं पहले जोड़ लेते हैं, क्या करेंगे पहले जोड़ेंगे, देखिए जोड़ के देख लेते हैं, अगर जोड़ लेंगे अगर सही आएगा तो इसी तरह से आपको फॉलो होगा। देखिए 6 को अब क्या करते हैं 8 में जोड़ लेते हैं, तो जब जोड़ लेंगे तो कितना होगा, और इसको क्या करें इसमें जोड़ लेते हैं। ठीक, और इसको क्या करते हैं इसमें जोड़ लेते हैं, और इसको क्या करेंगे इसमें जोड़ लेंगे, और इस चार को क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए 6 हो गया, 6 प्लस कितना हो गया 8 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 हो गया, फिर प्लस कितना हो गया 5 हो गया। तो देखिए अगर इसको हम जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, यानी 6 प्लस कितना हो गया 11, 11 1 कितना हो गया 12, 12 में 12 8 कितना हो गया 20 हो गया, कितना होता है 20 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 5 दिया है 6, देखिए 6 5 कितना होगा 11, 11 1 12, 12 8 20 हो गया, कितना गया 20 हो गया, यहाँ पर कितना रहा है 20 रहा है, लेकिन 20 में क्या कर रहा है एक जोड़ दे रहा है तो 21 हो गया, कितना हो गया 21 हो गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए बीच वाली संख्या कितना गया 21 आ गया। तो देखिए दूसरा में भी देखेंगे, देखिए दूसरा में क्या दिख रहा है, तो 5 को क्या कहते हैं 5 को अगर इसमें जोड़ देते हैं तो कितना हो गया 7 हो गया, कितना हो गया 7 हो गया, यहाँ पर क्या लिखेंगे 7 हो गया, 7 है 3 10 हो गया, 10 है 10 हो गया, 10 8 18 हो गया, 18 1 जोड़ लेंगे तो कितना हो गया 19 हो गया, यानी सबको क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। देखिए 6 यानी यहाँ पर कितना होगा, कितना दिए 5 दिए, 5 दिया है, फिर प्लस 2 दिया है, फिर प्लस कितने दिए 3 दिए, फिर प्लस कितने दिए 8 दिए, अगर सबको जोड़े हैं तो कितना आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 18 आ गया, क्योंकि 3 2 5 या 5 10 10 यहाँ पर 8 18 कितना हो गया 18, 18 में क्या करते हैं 1 जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 19 आ गया, कितना गया 19 आ गया। तो देखिए बीच वाली संख्या कितना गया 19 आ गया, यानी इसका मतलब कि किस तरह से फॉलो कर रहा है कि यहाँ पर क्या करें 6 को 2 में जोड़ देते हैं, क्या करेंगे जोड़ देंगे 2 को 3 में जोड़ देंगे, 3 को 4 में जोड़ देंगे और 4 को 6 में जोड़ देंगे तो बीच वाली संख्या आ जाएगा। तो देखिए 6 को क्या करते हैं 6 प्लस कितने दिए 2, फिर प्लस कितने दिए 3, फिर प्लस कितने दिए 4 दिए, सबको जोड़ लेते हैं तो 6 4 10 हो गया, 10 से 5 15 हो गया, क्या हुआ 10 5 15 15 हो गया, और 15 में क्या करते हैं 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कितना हो गया 16 हो गया, तो 16 देखेंगे किस ऑप्शन में दिया है, यानी ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद दोस्तों।